सभी को मिले गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसलिए पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, यही तो है मोदी की गारंटी। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर एक समिति का गठन किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर साल 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण और सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पीएम सूरज के तहत पात्र व्यक्तियों को सरल ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए 390 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को बढ़ाकर 740 किया जाएगा। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपए का निवेश करके पिछड़ी जनजाति समूह यानी पीवीटीजी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समग्र आबादी के स्तर पर लाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और आजीविका के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए किफायती एवं स्वदेशी उपकरणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे विकास, इसलिए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही तो है मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।